छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित हाई प्रोफाइल विधानसभा अकलतारा में भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहली चुनावी सभा नरियारा में हुई। सभा में गिनती के लोग स्मृति ईरानी को देखने और सुनने के लिए एकत्रित हुए। कल बसपा की हुई विशाल आम जनसभा में मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर ही हुई बीजेपी की चुनावी सभा बिल्कुल फ्लॉप बताई जा रही है। सत्ताधारी बीजेपी की इस बार पहली चुनावी सभा का फीका प्रदर्शन रहा। वहीं स्मृति ईरानी द्वारा संबोधन में आर्थिक समृद्धि के लिए कमल निशान और बीजेपी की सांसद की उपमा को लेकर भी तरह तरह की बातें की जा रही। ऐसे में अमित शाह के 65+ के दावों की सफलता कैसे मिलेगी, ये भाजपा के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। सभा समाप्ति के पश्चात मीडिया कर्मियों को स्मृति ईरानी ने बाइट देने से भी कहा, परंतु इस दौरान उन्होंने इनकार कर दिया और वहां से रवाना हो गई। कि कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। आज जब किसान परिवारों के बीच में आए हैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से यहां ऐसी 90,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जिनको रमन सिंह जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की सेवाएं छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से हाथी पर बैठकर नहीं आती, लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठकर आती है। इसीलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन दबाना है। इस विश्वास के साथ कि आज एक लक्ष्मी स्वरूपा कमला देवी के संग मंच पर बैठे। जांजगीर चांपा से ये थी संवाददाता देवेंद्र जैन की खास रिपोर्ट।